गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ रश्मि। आज हम करने वाले हैं करवा चौथ मेकअप लुक। ये है मेरा फेस विदाउट मेकअप, बहुत सारे पिंपल्स हो चुके हैं बट कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं मेकअप। पहले हम यूज़ करेंगे रिवाइटलाइट, ये है लॉरियल का सीरम, क्योंकि स्किन केयर ज़रूरी है। सो फ्यू ड्रॉप्स हम उसको पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेंगे और जेंटली जो है इसे अपने दोनों हाथों से मसाज कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे प्रेस नहीं करना है, जेंटली करना है। इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे। जैसे ये ड्राई हो जाएगा हम लगाएंगे सनस्क्रीन। ये डर्माको की सनस्क्रीन है 60 PA++। इसको भी हम पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेंगे। मॉइस्चराइजर स्किप कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली है। सो ये है प्राइमर स्विस ब्यूटी का, लिंक मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, सो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसका मैं लूंगी एक पंप। सो ये ड्यूई फिनिश देता है, आप देखेंगे अभी पूरे फेस पे इसे मैं अच्छे से डॉट कट करके स्प्रेड कर लूंगी और इसको मैं स्प्रेड अपने हाथों से ही कर दूंगी विदाउट एनी ब्रश। और आप देखेंगे कि एक नेचुरल सी जो है ना शीन आ गई है फेस पे। अब यूज करेंगे फाउंडेशन जो है कलर बार का। सो बहुत ज्यादा फाउंडेशन मैं यूज नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं बस एक पम्प, और ये मैं इक्वली स्प्रेड कर दूंगी पूरे फेस पे विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। ऐसे डॉट डॉट करके पूरे अच्छे से स्किन में, मतलब कि पूरे फेस पे जो स्प्रेड हो जाती है। अपना नेक नहीं भूलना है, ये मुझे एक ब्लैक ऐसे अजीब सा स्पॉट हुआ है नेक पे, वहाँ पे मैंने लगा लिया है। ये है जोविता की पैक के साथ जो ब्रश लॉन्च हुई थी वो, इसका मैंने कबूकी ब्रश लेके अपना पूरा फाउंडेशन जो है इसी से ब्लेंड कर लिया है। इसका रिव्यू मैंने शेयर किया है मेरे पिछले व्लॉग में, प्लीज़ डू चेकआउट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी और बहुत ही सीमलेस ब्लेंड होता है। अपने ब्रश में जो एक्स्ट्रा होता है वही आप कान में भी लगा सकते हैं। ये है कंसीलर, ये कलर बार का ही कंसीलर है। जहाँ जहाँ आपको कंसील करने की ज़रूरत है आप वहाँ वहाँ लगा लीजिए। हाईलाइट करना है जहाँ पे आपको, ये मेरे को थोड़े पिंपल के निशान है वहाँ पे मैं लगा रही हूँ। इसको भी मैं सेम ब्रश से ही इवनली, इन सबको सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी फिट मी मेबलिन का 230, इसमें मेरा शेड है कॉम्पैक्ट। सारा मेकअप मैं सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज कर रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा हाथ से डैब करके, ये NYB का ब्लश है, बहुत ही ब्राइट पॉपी पिंक कलर का ब्लश है ये। इसको मैं अपने चीक पे लगा लूँगी, ये मेरे एप्पल ऑफ चीक बोन पे लगेगा। ये मैंने एक ब्रश लिया और उससे मैंने ब्लेंड कर दिया। ये NK का निक्का का शुगर प्लम जो है आई शेडो पैलेट है, इसका मैं शेड लूंगी ये फर्स्ट वाला, और इससे मैं जो मेरा क्रीम ब्लश है वो लॉक कर दूंगी। बहुत ही पिगमेंटेड है ये, सो आप थोड़ा सा ही यूज करें। निक्का का मोका मिक्स, और इसमें से मैं ये ब्राउन कलर ले रही हूँ। ऐसे मैं अपना फेस कॉन्टोर कर रही हूँ, और ये नोज कॉन्टोर, थोड़ा सा फॉरहेड, और ये जॉ लाइन। ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट है। ये
ये मैं यूज़ करूँगी हमारे अपर चीक बोन्स को हाईलाइट करने के लिए। सो ये मैंने लिया, टैप किया, क्यूपिड बो चिन नेक और हाँ एप्पल ऑफ माय मतलब चीक बोन्स पे। और बाकी अगर आपको कुछ भी ज़्यादा लग रहा हो तो एक ब्लश ब्रश लेके आप जो है पूरा अच्छे से इवनली, जैसे मैं आप देख रहे हैं ना पूरा एक साथ ऐसे, सो जो भी एक्स्ट्रा है वो क्लीन हो जाता है। विद द सेम पैलेट जिसमें से हमने कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ किया था, मैंने ये एक शिमरी शेड चूज़ किया है, ब्रॉन्जिंग शिमरी शेड है। सो एक आई शेडो ब्रश लूँगी मैं और इससे मैं आप इनर कॉर्नर से लेके मिडिल तलक, पूरा लास्ट तलक नहीं लेके जा रही हूँ, आप देख रहे होंगे इनर क्रीज में ही इसे स्प्रेड करूँगी। और ये मेकअप रेवोल्यूशन में से एक ब्राउन लेकर मैं इसे आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ। अब मैं यहाँ से दो और शेड्स को एक साथ लेके एक्स्ट्रा सब हमको ऐसे डैप करके निकाल देना, और फिर मैंने इसको हल्के से ब्लेंड कर दिया सो दैट सारा सब कुछ एक साथ लगे, ऐसे कुछ अलग अलग ना लगे। ये मेरा आईब्रो पैलेट है जिसमें से एक टूट चुका है, सो ये डार्क ब्राउन कलर लूँगी मैं और आईब्रोज मेरे जो फिल है कर लूँगी। वैसे आईब्रो बहुत डार्क है बट थोड़ा सा गैप कहीं है तो वो फिल आउट हो जाएगा। एकदम प्रिसाइज होके आपको ध्यान देकर आईब्रो फिल करना है। आईब्रो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे मेकअप में, सो जस्ट बी केयरफुल। और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे लग गया है एंड बहुत ड्रामेटिक लग रहा है तो एक ऐसे कॉटन लेके आप जो एक्सेस है वो निकाल सकते हैं। सो ये शुगर प्लम जो पैलेट है निका की, उसमें मैंने ये एक छोटा सा डैब डैब ब्रश लिया है, उसमें से एक शिमर शेड लिया है शैम्पेन कलर का और उसे मैंने इनर कॉर्नर पे प्लेस कर दिया है। सो ये थोड़ा हमारा आईज जो है वाइडन करता है। प्लम की मैंने ये काजल ली है ब्लैक कलर में और इसे मैं एकदम डार्क अपने आँखों में लगा लूँगी। सो ये लोअर लैश लाइन पे लगा लिया है मैंने और इसी तरह से मैं दूसरे आँखों में भी लगा लूँगी। उसके बाद मैंने लगाया है लाइनर जो कि है लैक्मी का और इससे मैं अपना काजल भी लॉक कर दूंगी। सो बहुत ही पतली पतली लाइंस मैंने आप देख रहे हैं लिया है और एक अच्छी सी विंग जो है लाइन क्रिएट की है। ये कलाबार का मस्कारा है, सो इसका मैं फर्स्ट कोट करती हूँ ये ब्राउन से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देता है ये। एंड देन सेकेंड कोट में करूँगी इसका जो सेकेंड कैप है उससे, सो जो भी है हमारे लैशेस को अच्छे से डिफाइन करके सेपरेट कर देता है ये। जब मैं ऐड करूँगी बिंदी, ये लिपस्टिक मैंने नायका का यूज़ किया है, लिप लाइनर मैंने कोई यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली लिपस्टिक यूज़ की है यहाँ पर। और ये नेकलेस लिया है मैंने, नेकपीस जो है ये नेकलेस सेट है विथ ईयरिंग्स मीशो से, इसकी भी लिंक मैं दे दूँगी। मीशो हॉल किया है मैंने ज्वेलरी का पूरा, आप उसमें चेक कर सकते हैं। ऐड इन करेंगे यहाँ पे हम सिंदूर, ये रही ईयरिंग्स टू कंप्लीट द लुक एंड दिस इज द फाइनल लुक। यू गाइस कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लग रहा है ये लुक। मैंने सिर्फ एक बन ऐसे बना दिया है टेम्पररी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये लुक कैसा लगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ RUSHME एंड फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहाँ पे भी मैंने शॉर्ट्स में डाला है ये लुक, अगर आपको अच्छा लगता है सो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।